हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल कोहली। आज हम लाए हैं डाक टिकट की क्लास। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे डाक टिकट के बारे में, किस स्थान किसके लिए कितना डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। हम इससे भी पहले कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं आपके लिए, तो आज हम पढ़ेंगे डाक टिकट के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, डाक टिकट के बारे में। देखो, खेजड़ी वृक्ष, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष कब घोषित किया गया था राजस्थान का राज्य वृक्ष, 31 अक्टूबर 1983 को, हम पहले बता चुके हैं पहली क्लास में। और इसको हम क्या कहते हैं, समी जो इशू जो इसके जो पत्ते को, इसको लून कहते हैं, पत्ते को क्या कहते हैं, लून। ठीक है, अब खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी हुआ, इस क्वेश्चन में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, यह याद रखना। मेरी क्लास छोटी है, लेकिन मैं धमाका बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरी क्लास को हल्के मत लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस पर डाक टिकट जारी कब हुआ था, 5 जून। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, कब हुआ, 5 जून। किस प्रकार से याद करेंगे हम, 5 जून को कौन सा दिवस और मनाया जाता है, बताओ 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। ठीक है, और पर्यावरण दिवस, पर्यावरण में कौन कौन से होते हैं, वृक्ष भी आते हैं, तो वृक्ष मतलब खेजड़ी वृक्ष। और खेजड़ी वृक्ष कब घोषित किया गया था, 5 जून 1988। खेजड़ी 88, 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर क्या घोषित किया गया था, डाक टिकट जारी। डाक टिकट जारी खेजड़ी वृक्ष पर कब जारी किया गया था, 5 जून 1988 को, कितने रुपए का या कितने पैसे का, 60 पैसे का। कितने का, 60 पैसे का। खेजड़ी वृक्ष पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, 60 पैसे का। दूसरी बात, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के लिए बारे में बता देते हैं, इसको कहते हैं विष्णु ध्वज। क्या कहते हैं, विष्णु, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। किसने निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का, महाराणा कुम्मा ने, 1440। और विजय स्तंभ का निर्माण किसके उपलक्ष्य में करवाया था, तो विजय स्तंभ का निर्माण मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुम्मा ने करवाया था। ये 9 मंजिला है, इस पर हम 8वीं मंजिल पर ही चढ़ सकते हैं, क्योंकि 9वीं मंजिल पर एक थोड़ी सी गुफा है, तो उधर से जाना पड़ता है। ठीक है, इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, हम 15 अगस्त कब मनाते हैं, 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त 1949, 2 साल पीछे कर लो, तो हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, तो इस पर 2 साल बढ़ा दो, तो 15 अगस्त 1949 विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी हुआ था, कितने रुपए का, 1 रुपए का। विजय स्तंभ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, 1 रुपए का। दूसरा देखते हैं बनी ठनी, ये राजस्थान की क्या है, मोनालिसा। बनी ठनी को कहते हैं राजस्थान की मोनालिसा। इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, 5 मई 1973 को। बनी ठनी पर जो डाक टिकट जारी हुआ था वो 5 मई 1973 को। ठीक है, जो ये कौन था, बनी ठनी एक महिला थी, काम करती है महिला। ठीक है, अब महिला थी ये किशनगढ़ शैली, जानते हो किशनगढ़ शैली, ये किशनगढ़ी, किशनगढ़ शैली से संबंधित है, कौन सी, बनी ठनी।
इस पर डाक टिकट जारी हुआ था 5 मई 1973 1973 को कब हुआ था? 5 मई 1973 को कितने रुपए का? 20 पैसे का है। कितने रुपए का? आप देखें रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी पर कब डाक टिकट जारी हुआ था? दिसंबर 2017 को वहीं जो रानी जी की बावड़ी है उस पर 2017 में 5 रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, गोडावन, गोडावन तो सभी जानते हैं। गोडावन क्या है? राज्य पक्षी। क्या है? राज्य पक्षी है क्या गोडावन? ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। इस पर जो डाक टिकट जारी हुआ था वो कब? 1 नवंबर 1980 को, 1 नवंबर 1980 को गोडावन पर डाक टिकट जारी हुआ था। कितने रुपए का? 2 रुपए 30 पैसे का। कितने रुपए का? 2 रुपए 30 पैसे का गोडावन पर 1 नवंबर 1980 को क्या हुआ था? डाक टिकट जारी। इसके बाद देव नारायण जी की फट, देव नारायण जी जो गुर्जरों के क्या है वो प्रिय देवता। ठीक है, वो देव नारायण जी की फट आप जानते हैं, सबसे लंबी फट है। फट का मतलब क्या होता है? जैसे कपड़ा होता है ना, कपड़ा, कपड़ा पर लेखन चित्रांकन वो होता है फट। ये इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? सितंबर 1992 में देव नारायण पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। क्या हुआ था? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। अब देखा थेवा काला, देखो तुम जानकारी भी बता देता हूँ, थेवा काला कहते किसे? थेवा, जैसे कांच पर, कांच तो जाने थे, कांच पर सोने की नक्काशी, कांच पर सोने की नक्काशी कोई कहते थेवा। राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध? प्रतापगढ़ की भैया। और जो इसका थेवा कला का जनक है वो कौन है? नाथूजी सोनी। कौन है? नाथूजी सोनी है थेवा कला के जनक। और इस पर कब डाक टिकट जारी हुआ था भाई? नवंबर 2002 को थेवा कला पर क्या हुआ था? डाक टिकट जारी। और कितने रुपए का? 5 रुपए का। कितने रुपए का? 5 रुपए का इस पर थेवा कला पर क्या हुआ था? डाक टिकट जारी। कब? नवंबर 2002 को। याद रखना ये सब, जो मेरी क्लास है उनको हल्के मत लेना, क्योंकि मैं हल्का सा हूँ लेकिन मेरी जो क्लास है वो पेपर में बड़ा धमाका करती है। ठीक है, हम ये मत समझना कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपको ज्ञान भी दे रहे हैं। इसलिए मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें, क्यों, और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद। अब बता देते